Everyone, how are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EBS teacher. बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बतानी है कि अभी मैम आपको दूसरे बुक से स्टडी करा रहे थे, है ना? उसके चैप्टर्स सेम थे बट कुछ चेंजेस था उन चैप्टर्स में. तो अब हमें स्कूल से ये वाली बुक अलर्ट हुई है कि पता लगा कि आप सबके पास ये वाली बुक्स है और आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो इसलिए सर ने हमें ये वाली बुक दी है ताकि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान नहीं हो और अच्छे से स्टडी कर सके. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, आप तो खुश? यस. तो आपकी बुक्स का नेम है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, और ये आपकी बुक है. यस, हम लेसन थर्ड रीड कर रहे थे बेटा. जो लेसन थर्ड था हमारा, उसका क्या नेम था? People around us. हम जो रीड कर रहे थे उसमें था work around us, और ये है people around us. सेम मीन है हमारे आसपास के लोग. वही सारी चीजें इसमें आ रही हैं कि टेलर स्टिच करता है क्लोथ को, कारपेंटर मेक्स थिंग विद वुड, कॉबलर रिपेयर शूज. ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं डीपली, बहुत अच्छे से, है ना. प्लम्बर क्या करता है? फिक्स करता है टैप्स को, पाइप्स को. इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? फिक्स करता है, रिपेयर करता है लाइट को, फैन को. तो ये सब कुछ हम अच्छे से रीड कर चुके हैं. अब मुझे नहीं लगता अगर बुक चेंज भी है तो हमें वापस रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है ना. ओके, कम्युनिटी हेल्पर्स ये भी हम कर चुके हैं, सोशल वर्कर्स भी कर चुके हैं. अब ये वाला पेज देखिए, ये वाला पेज, पेज नंबर 15. तो आप लोगों को ये फिल करना है. आप ये देखिए स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इन स्पेलिंग्स को आपको लिखना है. ये जंबल वर्ड की तरह स्पेलिंग्स हैं, इन्हें आपको करना है. ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली एट वर्क. अब यहाँ से हम रीड करेंगे फैमिली एट वर्क. फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली contribute in different ways to make their home a happy place. Family क्या है? एक छोटी सी सोसाइटी होती है हमारी, है ना, छोटा सा समूह होता है जहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं और हम सब क्या करते हैं? मिलकर के काम करते हैं. हम सब क्या करते हैं? मिलकर के काम करते हैं. ऐसा तो ये नहीं होता कि मम्मा अकेले अकेले वर्क कर रही हैं और हम आराम से बैठे हुए हैं, नहीं होता ना. छोटे छोटे काम हम भी करवाते हैं, मम्मा के साथ हेल्प करवाते हैं, और ये छोटे छोटे वर्क के थ्रू ही क्या होता है, हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं. ईच फैमिली मेंबर हैज अ रोल टू प्ले. हर फैमिली मेंबर का अपना अपना एक रोल होता है. मदर्स टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ फैमिली. मदर क्या करती है? मदर घर के काम करती हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा यमी यमी फूड बनाती हैं, और हमें जिन चीज़ों की नीड होती है वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं. फादर हेल्प्स मदर इन दीज एक्टिविटीज. इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क. पापा भी क्या करते हैं? इन चीज़ों में मम्मा की हेल्प करवाते हैं ना, छोटी छोटी हेल्प पापा भी. और कुछ कुछ घरों में मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों घर से बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए. तो उस केस में क्या होता है? तब हम क्या करते हैं? व्हाइल द मदर इज बिजी कुकिंग और वॉशिंग, द फादर हेल्प्स द चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर स्कूल वर्क. अगर मम्मा घर के काम में व्यस्त हैं क्योंकि दोनों को बाहर जाना है, दोनों को अपने अपना वर्क करना है बाहर जाके, तो क्या होता है कि मम्मा अगर कुकिंग में, कपड़े धोने में, इन सब में बिजी हो रही हैं घर के कामों में, तो फादर क्या करते हैं? इतनी देर में बच्चों को अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट करवा देते हैं और उनको स्टडी करवा देते हैं. चिल्ड्रन हेल्प्स देयर पेरेंट बाय लेइंग द टेबल, कीपिंग द रूम क्लीन एंड पैकिंग देयर स्कूल बैग. और बच्चे क्या हेल्प करते हैं? बच्चे क्या छोटी छोटी हेल्प्स करते हैं अपने पेरेंट्स की टेबल वगैरह अपनी जगह रखना, अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना, छोटी छोटी चीजों को पैक करना. मोस्ट अर्लियर पीपल ऑफ द हाउस स्टे एट होम दे टू यूज टू गो टू वर्क व्हेन दे वर यंग. बहुत से बुजुर्ग आदमी घर में ही रहते हैं, बहुत से एज मेंबर घर में ही रहते हैं,
लेकिन जब वो अपनी एज में थे तो वो भी वर्क करा करते थे। दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग द न्यूज़पेपर, वॉचिंग टेलीविजन एंड प्रेइंग। और जो बड़े मेंबर होते हैं, जैसे दादाजी दादी जी वगैरह हैं, ये अपना टाइम किस चीज़ में स्पेंड करते हैं? न्यूज़पेपर रीड करने में, टीवी देखने में, या फिर भगवान की पूजा करने में। इन चीज़ों में वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सम एल्डर पीपल हेल्प एट होम बाय डूइंग लाइट हाउसहोल्ड चोर्स एंड बाय टीचिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। कुछ ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं कि छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा लेते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को अपने जो पोता पोती होते हैं, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने में भी उनकी हेल्प करते हैं, उनको स्टोरीज सुनाते हैं। चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम द एल्डर ऑफ द फैमिली। इट इज़ नाइस टू हैव एल्डर पीपल एट होम। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, जिसके दादा दादी जिसके साथ में रहते हैं वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उन्हें क्या होता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो उनसे अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। अब एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप किसी चाय वाले की शॉप पे गए हुए, ढाबे पे गए हुए, आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे वॉक करते हैं। क्या ये छोटे बच्चे वॉक करने चाहिए? नो। इन बच्चों की क्या एज है, इनको खेलने देना चाहिए, इनको स्टडी करने देना चाहिए। लेकिन बेटा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको वर्क करने की मजबूरी होती है। तो देर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क एज वेल एज गो टू स्कूल टू स्टडी, पर ऐसा नहीं होता। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि काम करके भी स्टडी कर लेते हैं। आप ये देखो कितनी अच्छी बात है कि वो स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं और एक्स्ट्रा टाइमिंग में वर्क भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी यंग बॉयज ऑफन क्लीन कार्स इन द मॉर्निंग एंड देन गो टू स्कूल। बहुत से छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, घर का खर्चा चलाना होता है, अपनी पढ़ाई करनी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को, लेकिन उस बच्चे की पढ़ने की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्क करके मनी अर्न करते हैं और मनी अर्न करके स्कूल जाकर अपनी फीस डिपॉजिट करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने जो कार्स वगैरह क्लीन करते हैं मॉर्निंग में और फिर स्कूल चले जाते हैं। सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल एट ऑल। ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ बच्चे एबल नहीं होते स्कूल जाने के लिए, वो स्कूल नहीं जा पाते। दे वॉन्ट टू स्टडी बट आर फोर्स टू वर्क बिकॉज देयर फैमिली इज पुअर एंड कैन नॉट सेंड देम टू स्कूल। वो पढ़ना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पढ़ें, पर उनकी फैमिली ये सब कुछ करने के लिए नहीं अलाउ करती, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन बच्चों को पढ़ा सकें। तो वो उनसे काम करवाते हैं ताकि वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करके कुछ पैसा कमा सकें और अपने घर का खर्चा चला सकें। क्योंकि सबसे पहले तो इस पेट को भरने के लिए चाहिए ना। आप लोग देखिए, आप लोगों को मन करता है आज मुझे ये खाना ये खाना ये खाना है, आपने कभी सोचा कहाँ से आता है? क्योंकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी कर देते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। मोर ओवर दे ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द फैमिली, बट इट इज नॉट फेयर टू द चिल्ड्रन एंड इट मस्ट बी डिकोरेट। ये हालांकि ठीक नहीं है कि हम बच्चों से काम करवाएं, पर कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना पड़ता है। एंक्रिक अब है वेज टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन। क्या क्या तरीके होते हैं एंकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ दियर फैमिलीज। उनको अपने परिवार को बताना चाहिए कि पढ़ाई का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है पढ़ाई, इस पढ़ाई को करने से क्या बेनिफिट होगा। गिव देम योर ओल्ड बुक्स। उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अपनी पुरानी बुकें देनी चाहिए। देखो, वापस आपको समझाती हूँ इस बुक छोड़ करके आपको क्या क्या करना चाहिए। उनको और उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आप अपने बच्चे से जो काम करवा रहे हैं, ठीक है आपको नीड है तो आप वर्क करवा रहे हैं, वो कोई बात नहीं, बट आप इनको स्टडी भी करवाइए, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी के कितने बेनिफिट्स होते हैं। आप समझाइए उनको, हेल्प कीजिए उनकी,
पुरानी बुक्स दे सकते हैं, अपने पेंसिल, शॉर्पनर, नोटबुक्स, अगर कुछ भी आपके पास हैं तो आप उनको दे सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आप सबको इस तरीके से करना चाहिए, और हो सके तो किसी गरीब, अगर आपको दिखता है ये पढ़ना चाहता है लेकिन स्कूल नहीं जा सकता, तो आप उसको पुरानी बुक्स दे करके आप खुद भी पढ़ा सकते हैं उसको, तो आपका रिविजन भी होगा और आप उसको पढ़ाएंगे भी। टीच देम इन योर स्पेयर टाइम, और उनको अपने खाली समय में आप पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में फर्स्ट है, ए नंबर पे राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु हेल्प्स यू इन द फॉलोइंग वेज। इन लोगों के नाम लिखिए जो आपको कुछ रूप में हेल्प करते हैं। डिलीवर्स लेटर टू योर हाउस, आपके घर में लेटर कौन लेकर आता है? पोस्टमैन। रिपेयर अ लीकिंग टैप, जब नल में से पानी टपकता है तो उसे कौन सही करता है? प्लम्बर। रिपेयर इलेक्ट्रिकल थिंग्स को कौन सही करता है? इलेक्ट्रिशियन। मेंशन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कौन करता है? पुलिसमैन। मैंड्स योर शूज, आपके शूज को कौन सही करता है? कॉबलर। क्लियर? तो ये आपका वर्क है, आपको ये वाला वर्क और एक ये वाला वर्क, ये टू वर्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वर्क आप करेंगे ट्रू फॉल्स, एंड देन यू डू इट। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, ये वाला करना है हमें, और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी होमवर्क हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए हम सिर्फ एक तो ये वाला वर्क करेंगे, पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 करेंगे, एंड पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18 का बी वाला, ये हमारा होमवर्क है। सी एंड डी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक्स बेटा।